3 साल मेरे को 30 साल हो गए 20 साल। तो आपकी शादी कैसे हुई, मतलब आपकी लव मैरिज थी या? सुनाओ 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 सुनाओ। ये देखो कितना प्यारा बच्चा है, हंस भी रहा है। वैसे आदमी पढ़ सकता है भी छोटे? नहीं पढ़ तो सकता मगर। और उस ब्लॉग में हमको 1 मिलियन व्यूज मिले हैं, तो आप। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि मैं ट्राइबल फैमिली को एक्सप्लोर करता रहता हूं, और जिस फैमिली में अभी आया हूं यहां पर, मैं अभी थर्ड टाइम आ रहा हूं। आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि किस तरह से रमजानी है, छोटी सी बहन, प्यारी सी बहन है, जो थोड़ा मानसिक स्तर पर थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनको मिलने आता रहता हूँ। और इस टाइम में इनके लिए कुछ कपड़े, कुछ खाना, कुछ यू नो कुछ वैसी चीज़ लाया हूँ जो इनके लिए यूज़फुल हो। और साथ में मेरी मम्मी भी आई हैं इस टाइम मेरे ब्लॉग में, तो उनसे भी आपको मिलाऊंगा। और अभी चलते हैं, बात करते हैं इस रमजानी से और इनकी फैमिली से कि कैसा कैसा इनका अभी आगे चल रहा है और क्या क्या लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि जो भी ब्लॉग देख रहा है, इस ब्लॉग को शेयर ज़रूर करिए। इधर यहाँ पे एक छोटा दूसरा भाई भी है, ये भी आपको लास्ट टाइम मिला था। ये देखिए, क्या नाम था तेरा? हाँ, रियासत नाम था इसका। तो अभी रियासत से भी बात करेंगे और अच्छे से बात करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे है इनकी फैमिली, रमजानी की फैमिली। आपने फर्स्ट ब्लॉग में इस बहन को मेरे साथ देखा होगा, नाम बताइए एक बार आपने। मरियम है, मरियम नाम है इनका छोटा सा प्यारा, आश मोहम्मद इसका मुझे नाम याद है। इसका नाम है आश मोहम्मद, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट बच्चा है ये। और देखो ये, देखो ये मामा है इधर, ये मामा है और ये भांजा है। हाँ हाँ, मामा, ये मामा है, मामा है ना, मामा है, ये भांजा है और ये इसकी मम्मी है मरियम। तो मरियम जी कैसे कैसे कट रही जिंदगी अब? उस टाइम तो मैं गर्मियों में आया था आपके पास, उस टाइम गर्मियाँ बहुत थी, गर्मी उमस बहुत है। तो बारिश का मौसम कैसे कट रहा है? ठीक है, कभी कभी बारिश पानी आया था जैसे। अच्छा, आज अंदर आ जाता पानी? हाँ आ जाता। अच्छा, फिर क्या करते हो आप लोग? बस कुछ भी नहीं, ऐसे ही रखती है। ये गीला हो रखा है इसलिए हो रखा है जब पानी अंदर आया। अच्छा, अजय साहब के साथ एक छोटा बच्चा भी है, उसको भी दिक्कत होती होगी बेचारे को, है? तो क्या क्या करते हो, कैसा कैसा बचाव करते हो अपना? ऐसे बार क्या करें? हैं? बारिश कम हो जाती है, पानी कम हो जाता है, बारिश ज्यादा रहती है, पानी ज्यादा रहता है। तो मरियम जी, जी लास्ट टाइम मैं बीच में आया था, उस टाइम आप कपड़े धोने चले गए थे, याद होगा आपको, है ना? जब दादी ने गाना भी गाया था, तो दादी का गाना सुना था आपने कहीं? अभी तो नहीं सुना। नहीं सुना? आपके पास तो? हाँ, मेरे पास था, मेरे पास था, मैं सुनाऊंगा आपको अगर पड़ा होगा मेरे फोन पे तो। अच्छा अच्छा, और बताइए आपके शौहर किधर है? मेरे। कौन वाले? अच्छा, ये उस दिन सो रहे थे जिस दिन मैं आया था, है ना? आज आज यहीं पे, आज आज नहीं गए काम पे कहीं? नहीं। अच्छा मरियम, नहीं मिलता हो सर, दिहाड़ी मजदूरी वगैरह है। इनका प्यारा सा बच्चा भी, बेबी यहाँ पे है। और अच्छा मरियम, ये बताओ जी, जैसे आप यहाँ पे रहते हो जी, तो आसपास के लोग आपकी मदद वदद करते हैं कोई? मेरे थोड़ी बहुत कोई नहीं करता। अच्छा 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 अच्छा, और आपके रिवाज क्या क्या, रीति रिवाज कुछ होता है आपका? जैसे कई सारी चीजें होती हैं, त्योहार मनाते हैं लोग, आपका कुछ खास होता है सर? हमारी ईद आती है। ईद, ईद के अलावा कुछ और? गुजरों का कुछ अलग होता है, ईद तो चलो सबकी होती है, तो जैसे गुजर लोग कुछ करते हैं ईद इसके अलावा? और कुछ नहीं करते? थोड़ी बहुत ऐसे अपनी खुशी के लिए दावत बना लेते हैं। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा एक बताओ, ये जो आप सूट पहना, आपने पहना हुआ ना जी, तो गुजर लोग क्या, मैंने एक गुजर परिवार के पास गया था, उन्होंने बोला कि हम ऐसे कपड़े पहनते हैं और पूरा एक ही कलर, एक ही डिजाइन होता है, ऐसा सबका ऐसे ही है कि आपका अलग अलग है कुछ? नहीं, हमारा ऐसा अलग भी होते हैं, हमारे होते सूट ही है। नहीं जैसे आपने जैसे सूट पहना हुआ ना, एक ही उसका डिजाइन का पूरा, ऐसे भी पहनते हैं, अलग अलग भी पहन सकते हो ना, कढ़ाई वाला भी, जैसे भी हो जाए। अच्छा, तो जैसे आपको बेबी आश मोहम्मद है जी, तो इसके लिए भविष्य में क्या सोचा हुआ आपने जी? भविष्य में क्या सोचा हुआ, किसके लिए क्या, मतलब ये भी इस तरह हमारी तरह वन गुजर रहेगा या फिर कुछ आगे कुछ करेगा? मैंने बहुत कुछ सोच रखा मगर होगा। बताइए क्या सोच रखा, अच्छी बात है, सोच अच्छी है आपकी, क्या सोचा हुआ आपने? वो स्कूल जाएगा, फिर आगे जाकर कोई बड़ा आदमी बनेगा।
बड़ा आदमी बनेगा। अच्छा है, पहले सोच होनी चाहिए ना, उसके बाद ही काम होता है। सही बात है, बड़ा आदमी बनेगा। तो आप बड़ा आदमी बनने के लिए क्या आगे कुछ प्लानिंग करी हुई आपने? देखो बड़े आदमी बनने के लिए सबसे पहले तो पढ़ाई वढ़ाई जरूरी है, अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है, है ना। और सबसे मेन बात बताऊँ क्या है, कम बच्चे। अगर कम बच्चे होंगे तो सब चीज अच्छी होगी, और ज्यादा बच्चे होंगे, समझ रहे हो ना आप, तो फिर जब एक बच्चे का अच्छा से इंसान कर पाता है ना, अब मतलब आठ आठ नौ नौ बच्चे होंगे तो फिर कहाँ से कर पाओगे, खाना ही नहीं हो पाएगा पूरा। छोटी है, उम्र क्या होगी आपकी? मेरी उम्र 20 साल होगी। 20 साल की है, और शादी कब हुई आप? मेरी शादी को 3 साल हो गए। 30 साल हो गए क्या? 3 साल, 3 साल, 30 साल हो गए, 20 साल की उम्र है, 30 साल हो गए। और आपके शौहर तो बहुत शर्मा रहे भाई, हैं बेटा इधर आओ, इधर आओ ना, हैं इधर आओ जरा बैठो तो साथ में। देखो दोस्तों यहाँ पे इनके शौहर भी हैं, बहुत शर्मा रहे हैं। ये मरियम तो नहीं शर्माती, लेकिन ये बहुत शर्मा रहे हैं। इधर तो करो, इतना स्मार्ट हो यार, कैसी बात कर दी है, इतनी सुंदर लोग हो तुम, इधर आओ ना यहाँ बैठो। ये देखो कितना प्यारा बच्चा है, हंस भी रहा है। हाँ, ये दांत आ रखा है उसका। क्यूटी क्यूटी क्यूटी, अरे आशु चल जरा, चल दे उसको, कैसे चलता है, ए गिरना मत। नीचे नीचे छोड़ दो, कुछ तो आता होगा ना, थोड़ा सा, दो लाइन भी नहीं आता, आते नहीं मुझे बिल्कुल, दो लाइन। सकीना को आता है, सकीना भी गाएगी, सकीना तो, सकीना ने सुनाया था लास्ट पिछली बार, सकीना ने सुनाया था, इस बार आप सुनाओ ना, सुनाओ 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 सुनाओ, मत हटा मत हटा मत हटा, अरे यार वही छोड़ दे, बंद कर देगा, नहीं आता मुझे गाना, आता तो मैं सुना देती, कुछ तो आता होगा थोड़ा, हैं मैं पढ़ती नहीं हूँ गाना, कभी गाना पढ़ते हैं कि सुनाते हैं, पढ़ना पढ़ना होता है कि सुनाना होता है, मैंने सुनाया नहीं गाना, क्यों सुनाए तो अभी सुना दो, दादी ने सुनाया, दादी सुना देती, दादी इतनी पुरानी है, दादी ने सुना दिया। तो फ्रेंड जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मेरी मम्मी मेरे साथ है, और आपने देखा होगा मेरा जो दूसरा ब्लॉग था कि जो गुजर फैमिली का था, जो कि आसमा वाला ब्लॉग था, उसमें भी आप मम्मी से मिले थे, और उस ब्लॉग में हमको 1 मिलियन व्यूज मिले हैं, तो आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट टाइम फिर मेरी मॉम एक दूसरी गुजर फैमिली में आई, क्योंकि इससे पहले कहीं गए हुए थे तो पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अभी मम्मी भी साथ में आई है, तो मैं मम्मी ने मेरे ब्लॉग देखे कि किस तरह से मैंने 2 ब्लॉग बनाए इस फैमिली का, गुजर फैमिली का, जिसमें ये रमजानी है, रियासत है, और इनकी एक मम्मी पापा तो अभी तक नहीं मिले, क्योंकि दादी लास्ट टाइम मिली थी जिसका गाना आपने सुना था। तो फिर मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, तो अभी मम्मी मेरे साथ है, तो मम्मी से जरा बात करते हैं कैसा मम्मी को लग रहा है। वैसे मम्मी ने मेरे ब्लॉग देखे हैं 2 वाले, मम्मी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया था उस पर, और कहा था कि यार उस फैमिली से मिलना चाहती हूँ, मैंने कहा मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगा उस फैमिली से, प्यारे प्यारे बच्चों से। तो चलिए मम्मी से बात करते हैं, मम्मी क्या बोलती है इस बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड देखो इस टाइम रियासत है, रमज़ानी है, और मम्मी है मेरे साथ में, तो मम्मी को पूछूं, मम्मी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, हाँ मिलने आ गई तो, है ना, जैसे रमजानी है थोड़ा, मतलब जैसे बोलते हैं कि थोड़ा मानसिक तौर पर थोड़ा, हाँ। थोड़ा है इसको दिक्कत है, तो क्या चीज ऐसे होनी चाहिए कि इसका कुछ तब हो जाए, लोग क्या करें, या फिर खुद में इनको क्या चेंज लाने चाहिए, ऐसा कुछ आप क्या सोचते हैं मतलब इस बारे में? मानसिक उसमें जो है ना, ये मानसिक विकलांगता है जैसे, जिसमें गवर्नमेंट के भी पैसे देती है, जो कुछ लोगों को मतलब उसको पेंशन बोले या जो भी है गवर्नमेंट देती है। अच्छा अच्छा, परंतु तो उसके लिए मेडिकल फिटनेस, उसका डॉक्टर का मेडिकल चाहिए। अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मरियम सिस्टर आपको मिली, उनके हस्बैंड यानी कि शौहर है, हाँ जी, क्या शौहर जी आपका नाम क्या है? सुलेमान। सुलेमान, ये देखो जीजा और साला विशाली है, हाँ, और पीछे भाई कोई और है, उस टाइम तो थे नहीं, ये भी साल है, मतलब आपके भाई, अच्छा 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 अच्छा, उसका पति, हाँ 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 हाँ, अच्छा आपके ताऊ का लड़का, चाचा के लड़के हैं, अच्छा अच्छा, जहाँ मैं गया था, आशिया छोटी सी बच्ची थी जो, अच्छा अच्छा, उसके पापा हैं वो, दोस्तों लास्ट टाइम मैं उनके पास गया था, वो भैया जो दिख रहे हैं वो लड़की के पापा हैं, आपने देखा होगा मेरा एक ब्लॉग आया था जिसमें वो लड़की बहुत हंस रही थी, वो वाला ब्लॉग। तो सुलेमान भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, आप सुनाओ? बढ़िया बढ़िया, आप ही
तो भैंसे वैसे कितनी आपकी है? 20-25 20-25 20-25 भैंसे हैं? हाँ जी। बाप रे, कहाँ है अभी? उधर ही है। उधर ही है? हाँ जी। तो शादी का 3 साल हो गए? हाँ। तो आपकी शादी कैसे हुई, मतलब आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज समझते हो? अरेंज मैरिज समझते हो? अरेंज मतलब पापा मम्मी ने रिश्ता कराया, या लव मैरिज मतलब लव मैरिज समझते होंगे आप? मम्मी पापा ने रिश्ता कराया। अच्छा अच्छा, लव मैरिज नहीं है ना? नहीं। आपकी जोड़ी मुझे बहुत सुंदर लगी ना, बहुत प्यारी लगी, तो मुझे लगा क्या पता लव मैरिज हो। वो भी बहुत सुंदर है, आप भी बहुत सुंदर हो, और आपकी जो गुज्जर जनजाति है ना, सब सुंदर है, इसमें सब सुंदर होते हैं। बच्चे कितने प्यारे बच्चे हैं, देखा ये आसमान पर कितना सुंदर है। अब मम्मी पापा इतने प्यारे तो बच्चा तो सुंदर ही होगा, है ना भाई? आपकी उम्र क्या होगी? 22 साल बताओ। अच्छा सुलेमान भाई, तो आपने पढ़ाई वढ़ाई का क्या सीन रहा आपका, मतलब मन ही नहीं करा कि गए ही नहीं? मन ही नहीं करा ऐसे रहते हैं बढ़िया, और क्या, अपना धंधा पानी संभालते हैं। ये बताइए स्टाइल कहाँ से है आपको, इतना बढ़िया बाल दाढ़ी बाढ़ी रखने के स्टाइल, मतलब फैशन भी पूरा जो है पूरा नजर में आपका है। अरे ये तो हमारा मजहब होता है। मजहब में तो मजहब तो होता है, पर स्टाइल है ना, मुच्छों का स्टाइल देखो जरा, दाढ़ी तो हो ही जाती है, है? देखो मुच्छों का स्टाइल भाई का, देखो भाई इसको कॉपी करना है करो भाई, देखो सुलेमान भाई की मुच्छे क्या सिस्टम से है। क्या बढ़िया बाल, देखो बाल भाई के क्या बाल है, देखो ऐसा लोग ना बड़े बड़े जो सलून में जाते हैं ना तब भी नहीं कर पाते। बाल सब सुंदर, हाँ सब सुंदर है, लड़के भी और लड़कियां भी। सही बात। हाँ क्या बोल रहे हो? आपका ये बच्चा है आश मोहम्मद आशु, तो इसके लिए भविष्य में क्या सोचा हो आपने, क्या कर रहे हो मतलब आगे? हमने सोची कि तो पढ़ाई की है। पढ़ाई की सोच रही है? पढ़ाई करवाएंगे। पढ़ाई करवाएंगे मतलब कैसे, स्कूल पढ़ाई कराएंगे? स्कूल प्राइवेट। प्राइवेट? हाँ जी। हाँ तो प्राइवेट जान तो आप थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा। पैसा तो लगेगा, पढ़ाई करानी जरूरी होती है। जरूरी होती है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर आप कम बच्चे होंगे तभी तो होगा ना। हाँ है ना, ज्यादा होंगे तब तो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। हाँ तो ये आपको बात समझ में आ रही है, इन्होंने बड़े अच्छे सोच है इनकी कि बच्चे को जो है आगे पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं रखेंगे मतलब वन गुजर नहीं बनाएंगे आगे जो है। ये तो पढ़ाई का जमाना, अनपढ़ तो हो गया, बीत गए बीत गए, अब तो पढ़ाई का जमाना, पढ़ाई का जमाना है, वरना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वैसे आप भी पढ़ सकते हैं, छोटे नहीं पढ़ तो सकते हैं, पढ़ा ये तो बाद में हो जाता है। तो आपको थोड़ा बहुत भी नहीं आता कुछ पढ़ना? ना बिल्कुल पता, जीरो, निर्भटा सन्नाटा। उर्दू उर्दू भी नहीं आती कुछ? जैसे कई लोग मस्जिद में जाके मौलवी से पढ़ते हैं, वो भी नहीं आता, पढ़े ही नहीं, पढ़े। अच्छा फोन फान चला ले तो, जैसे वो कैसे चला ले तो? दिमाग से, दिमाग ही से चलाते उसे। अच्छा सीख लिया आपने फोन फान चलाना? अच्छा बैंक में गया, बैंक में जैसे पैसे वैसे निकालना निकाल लेते, किसी को बोलते होंगे भर दो, ये भरने वरने को बोलते होंगे, तभी आपको लगता था ना पढ़ाना चाहिए था। क्योंकि पिछली बार यहाँ पे दूसरे भाई थे, यहाँ पे कौन थे वो जो यहाँ पे लास्ट टाइम पिछली बार थे, जो सिलाकोई से आए थे, पौंदा से, जाफर? जाफर नहीं था कोई, पता नहीं, तो वो भाई थे यहाँ पे मोटे मोटे से, हाँ मोटा मोटा सा, तो हाँ तू भी तो था उस दिन यहाँ पे नहीं था रखा। हाँ तो वो बोल रहे थे कि अब हम बैंक में जाते हैं ना तो बड़ी समस्या आती है, हमको तब लगता है कि यार पढ़ना चाहिए था, नहीं तो पढ़ाई के बिना कुछ है नहीं। हाँ अच्छा यार सुलेमान भाई, आप गाने वाने सुनते हो आप लोग? पिक्चर विक्चर देखते हो? कौन सी पिक्चर देखी आपने अभी? पिक्चर कौन सी देखी आपने? सलमान खान की, शाहरुख खान की, कौन सी? हल्के हल्के देख समझ जाते हैं। बढ़िया मूवी, किसकी पिक्चर कौन सी लगती है आपको, किसकी लगती है? सलमान खान की। और किसकी नहीं देखते? ना और तो कभी देखते, देखते नहीं है, देखते नहीं। और कभी गए उधर पिक्चर हॉल में गए? बड़े नहीं, फोन पे ही देखते हो? फोन ही में देखते। अच्छा अच्छा, और गाना वाना, गाना गाना किसका सुनते हो? गाने सुनते नहीं। गाने नहीं सुनते? गुजरी गाने सुनते हो? पिछले बार तो आपकी दादी ने इतना बढ़िया गाना गाया कि मैं क्या बताऊं, मैं सुनाऊंगा आपको अभी यहाँ पे, ठीक है? बट आप सुनाओ कोई बढ़िया गाना मेरे को यार। मेरा हाँ दोनों सुनाएंगे, सुनाना बढ़िया गाना यार। अरे सुना दो, मेरा वो गाना नहीं आता यार। जब दादी गा सकती है तुम्हारा क्या है यार, बताओ। दादी तो बड़ा पहला तो कुछ तो सुनाओ, थोड़ा सा पिछले वाले भी सुनाएंगे, सुनाना यार भाई मेरे को नहीं। एक लाइन सुना दे। नहीं आता, सुना देता, मैं जो भी बोलते नहीं। शर्मा रहा यार भाई, साडी जिंदगी ने उठा आवली है ना, सामने वाले कहने पहने पर आवली है। और
और कोई दूसरा सुनाया, ये तो कुछ भी नहीं था। और दूसरा आड़ी साड़ी तेरे यार आड़ी वाली, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है यार ये, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरी ये आज का ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने इस पहाड़ी भाई यानी कि राज गौरव प्यारेलाल भाई को प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि और भारत माता की जय।